मैं 5 महीने से गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने मुझे डूबा डीला लेने को कहा है। इनका प्रेगनेंसी में क्या रूल है? इसे लेने पर कहीं इसका दुष्प्रभाव होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा? आइए जानते हैं इन्हीं तरह के ढेरों सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। किसी भी दवाई के रोल, यूसेज, साइड इफेक्ट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशंस को तभी जाना जा सकता है जब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ठीक से समझा जाए। अर्थात डूबाडिलान हमारे शरीर में क्या करता है, पहले इसे समझना जरूरी है। डूबाडिलान दवाई का एक ट्रेड नेम है जिसमें आइसोक्सुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। आइसोक्सुप्रीन एक यूटेराइन रिलैक्सांट है जो महिला के शरीर में गर्भाशय को प्रसारित करने का काम करता है। इसी से समझ में आता है कि इनका उपयोग वहां होता है जहां गर्भाशय के संकुचन के कारण समस्या उत्पन्न हुआ हो, जैसे प्री टर्म लेबर अर्थात समय से पूर्व गर्भाशय के संकुचन के कारण प्रसव पीड़ा के इलाज में, या प्री टर्म लेबर के एक्यूट फेज को रोकने के बाद मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर, या यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होने वाला थ्रेटेंड एबॉर्शन में, या यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होने वाला मेंस्ट्रुअल पेन में। और सबसे ज्यादा इनका उपयोग प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर होता है। अर्थात वैसे सारे कंडीशंस जिनमें डॉक्टर को लगता है कि आगे प्री टर्म लेबर होने की संभावना है, जैसे दवाई के कार्य और उपयोगों को समझने के बाद खुराक यानी डोसेज को जानने की जिज्ञासा बनती है। अर्थात आइसोक्सोप्रीन को कितनी मात्रा में, कितनी बार और कब तक लेना होता है। प्री टर्म लेबर के एक्यूट फेज को रोकने के बाद इनका मेंटेनेंस डोज है 40 mg दिन में 2 बार 34वें सप्ताह तक। मेडिकल स्टोर में आइसोक्सुप्रीन डूबाडिलान के अलावे अन्य ब्रांड नाम से भी मिलता है, जैसे टिडिलान, यूडिलान, एडिलान, आइसोडिलान, निडालान, जेस्टाकाइन, सुप्रॉक्स एसआर इत्यादि, तथा विभिन्न फॉर्मुलेशंस में जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, और विभिन्न स्ट्रेंथ में जैसे 10 mg, 20 mg और 40 mg में उपलब्ध है। अब सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या डूबाडिलान प्रेगनेंसी में सेफ है? तो इनका जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं कह सकते, क्योंकि FDA के अनुसार आइसोक्सुप्रीन प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में आता है। सी कैटेगरी में आने का अर्थ हुआ भ्रूण के लिए यह दवा हानिकारक है या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। इतना ही नहीं, NCBI साफ साफ कहती है कि प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर उपयोग होने वाला ओरल आइसोक्सुप्रीन प्रभावशाली नहीं है, और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स तथा विश्व के अधिकांश देशों में इनका उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है। लेकिन कुछ देशों में जैसे इंडिया, ईरान में इनका उपयोग खूब होता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पुस्तिका को पढ़कर जान सकते हैं। इनके अलावे इस पुस्तिका में बहुत सारे चीजों का उल्लेख है, जैसे आइसोक्सुप्रीन का सेफर अल्टरनेटिव क्या है, आइसोक्सुप्रीन को किस तरह के गर्भवती महिला को नहीं लेना चाहिए, आइसोक्सुप्रीन का सेवन करने के दौरान कौन सी सावधानी को बरतना जरूरी है और इनके साथ कौन सी दवा नहीं लेना चाहिए, तथा इनके ऐसे कौन-कौन से दुष्प्रभाव हैं जिनके संकेत मिलते ही तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि घर बैठे ही प्री टर्म लेबर के शुरुआती संकेत तथा कारण को कैसे पहचानें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।